कुछ पूछना तो नहीं है पिछले पाठ में से। यहाँ पर ईश्वर को ही पूर्व में गुरु हुए हैं, उनके गुरु बताए, तो उनके गुरु किस तरह से है? कोई तो ज्ञान देने वाला चाहिए जो आदि गुरु थे। आपके गुरु जी कौन है? ये तो स्थूल है, लेकिन तो वो ईश्वर तो स्थूल नहीं है, तो उसको कैसे समझे कि वो उनके गुरु? स्थूल भी तो सूक्ष्म ज्ञान ही तो देता है। जो स्थूल गुरु है उसका भी ज्ञान तो सूक्ष्म है ना, जो वो देता है। तो ऐसे ईश्वर ने भी ज्ञान दे दिया। आदि में जो चार ऋषि हुए उनको अपना ज्ञान उनके हृदय में प्रकट कर दिया। तो आदि गुरु हुए ना चार ऋषि, उन्होंने सबको बताया। फिर माध्यम तो हमें भी बना रखा है ईश्वर ने, हम सब ईश्वर के तो माध्यम हैं। केवल चार ऋषि माध्यम बने ऐसा नहीं है। हम भी जितनी क्रियाएं करते हैं ईश्वर ने हमें माध्यम बना रखा है, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के वश में तो इतना भी नहीं अपना खाया हुआ अन्न पचा सके, उसके साथ धातु बना सके। तो आदि में ईश्वर ने उन चार ऋषियों के हृदय में सारा ज्ञान अभिव्यक्त कर दिया। उनके पिछले सर्ग में ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे जो ईश्वर ने उनको चुना सृष्टि के आदि में, उन्होंने फिर दूसरों को दे दिया वो ज्ञान, तो वो उनके गुरु बन गए। उन्होंने उनसे अगलों को दे दिया, वो उनके गुरु बन गए। तो ऐसे ये परम्परा चल पड़ी, गुरु परम्परा आज भी चल रही है। तो वो आदि गुरु है सबका। तो यहाँ योग को प्राप्त करने के लिए योग दर्शन का प्रारंभ हुआ था, समाधि को प्राप्त करने के लिए। और समाधि में भी असंप्रज्ञात समाधि है हमारा ध्येय। तो उसके लिए पहला अभ्यास और वैराग्य उपाय बताया, दूसरा उपाय ईश्वर प्रणिधान बताया, और फिर ईश्वर का स्वरूप बताया। जिसको प्रणिधान करना है उसका स्वरूप क्या है वो बताया। फिर उस ईश्वर का नाम क्या है जिससे उसको पुकारें, जिससे उसका ध्यान करें, वो क्या है? तो बताया कि प्रणव ही उसका नाम है, तस्य वाचकः प्रणवः। और जब उसको पुकारें तो उसकी भावना जरूर रखें, ये एक अगली बात बता रहे हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि कितने व्यावहारिक हैं महर्षि पतंजलि। हमारे मन की संरचना को उन्होंने पहले अपने मन की संरचना को अंतःकरण को अच्छे से समझा, और फिर हम सबको भी एक राह दिखा रहे हैं। सबसे पहले बताया विचार को पकड़ो, अनावश्यक विचारों को हटाओ, और सुखदायी विचारों को जो ईश्वर की तरफ ले जाने वाले हैं उन विचारों को अभ्यासपूर्वक उनका चिंतन करो।
पहले विचार के बारे में बताया, अभी विचार के बाद इमोशंस के बारे में बता रहे हैं। थॉट्स एंड इमोशंस बहुत बड़ा इनका क्षेत्र है, और हमारे में से 99.99 सभी आत्माएं बस इसी में ही रहते हैं, विचार और भावनाएं। कहीं हम विचारों में बह जाते हैं, कहीं भावनाओं में बह जाते हैं, और इस चक्रव्यूह से न निकल पाने के कारण सत्य से हम सर्वथा वंचित रहते हैं। तो भावनाओं का क्या रोल है और विचारों का क्या रोल है, ये हमें उस समय में बताया था हजारों वर्षों पहले, और हम आज तक नहीं समझे। उस समय भी हम ही आत्माएं थे, महर्षि पतंजलि के सामने भी, और आज उनके शास्त्र के सामने भी हम ही हैं, और वो तब से लेकर आज तक वही बात बताए जा रहे हैं हमें। और जब तक हम नहीं समझ जाएंगे, कितने भी जन्म बीत जाएं, ये शास्त्र हमें वही बताते रहेंगे, महापुरुष हमें वही बताते रहेंगे कि आप अपनी भावनाओं के बारे में समझें, वो क्या कार्य करती हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनका रोल क्या है, और आप अपने विचारों को, और विचार कोई ऐसी चीज़ नहीं है अंदर जिसका कोई स्थूल अस्तित्व हो। जैसे कई बार रेशमी धागे होते हैं ना, और वो आपस में उलझ जाते हैं तो उसमें ग्रंथि बन जाती है फिर, और उनको धीरे से खोल दो धागे को, तो ग्रंथि का कोई अस्तित्व है नहीं वास्तव में। वास्तव में ग्रंथि नाम का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, धागे ही थोड़े ऐसे हो गए, उसी का नाम ग्रंथि है। अंदर हमारे विचार ही कुछ उलझ पुलझ हो गए, उल्टा पलटा उठा लिया हमने, वो ही हमारे हृदय में ग्रंथि है। वैसे कोई ग्रंथि नहीं है, वैसे कोई बंधन नहीं है कि आत्मा बंधन से युक्त है तो कोई किसी ने रस्सा डोरी लेके बांध रखा है अंदर, ऐसा नहीं है। कई बार तो बंधन होता ही नहीं है, इसलिए महापुरुष कहते हैं पहले अंदर ये तो देख लो बंधन है भी कि नहीं। आप खोलने के उपायों में उलझ पुलझ हो रहे हो, वो उसी को बंधन बना रहे हो। बंधन है भी कि नहीं अंदर, ये तो देख लो, बंधन है ही नहीं, ग्रंथि है ही नहीं, कुछ धागे इधर से उधर हो रखे हैं, उनको धीरे से सुलझा लो, सीधे कर दो, कोई ग्रंथि का अस्तित्व नहीं है। हमारे अंदर जो भी दुख हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, वो सब हमारे विचार और इमोशंस उलझे हुए हैं, उनको यथास्थान कर लो, उनको सुलझा लो धीरे से, भावनाओं को, विचारों को। फिर अंदर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरे सिवाय अंदर किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल मेरा अकेले का अस्तित्व है, और कोई है ही नहीं। वो हमने विचार के स्तर पे दूसरों को उपस्थित कर रखा है, हमने ऐसा अभ्यास बना लिया लाखों करोड़ों वर्षों से कि हम अकेले अपने साथ रहना पसंद ही नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, ये मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, और अकेला रहना सीख जाए तो ये सबसे बड़ा समाधान है, क्योंकि मेरे सिवाय और कोई है ही नहीं। हम या तो समूह में रहना चाहते हैं स्थूल रूप से, कि भाई ऐसी जगह तो रहें जहाँ कोई एक दो तो साथ में हो, और बाई चांस किसी को ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ दूसरा है ही नहीं, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, फिर अखबार ढूंढता है कि कम से कम अखबार तो आ जाया करे, सुबह सुबह अखबार ही पढ़ लूँ, अखबार भी ना आए तो कोई पुस्तक पढ़ लें, पुस्तक के साथ रहेंगे फिर महर्षि पतंजलि भी चलेगा। पहले समझ में नहीं आता था, पर अब जब अकेले हैं एकांत में तो ना से तो हाँ भी अच्छी वो भी चलेगा, जैसे तैसे उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसको भी हटा दें तो इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट भी नहीं चल रहा है तो व्हाट्सएप चाहिए, फेसबुक चाहिए, वो सब भी नहीं चल रहे हैं तो पुरानी फ़ोटोज ही कम से कम देख लें मोबाइल में, फ़ोटो भी नहीं है तो कोई रिकॉर्डिंग की थी, कोई भजन संगीत मेमोरी कम से कम वो ही हमारे साथ हो। फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है तो चलो पेड़ पौधों से ही बात कर लेते हैं, नदी से पहाड़ से ही बात कर लेते हैं, वो भी चलेगा, कोई तो हो साथ में। उससे भी बातचीत नहीं होती है तो फिर बंद कर दिया कमरे में,
कि अब पहाड़ नदी कुछ नहीं देख सकते हो आप, तो फिर हम अपनी स्मृतियों में ही उठा लेंगे वस्तुओं को, व्यक्तियों को। फिर अपनी स्मृति में माँ को लाएंगे, पिता को लाएंगे, भाई बहन को लाएंगे, दोस्त को लाएंगे, पति पत्नी को लाएंगे, गुरु को लाएंगे, शिष्य को लाएंगे, क्लास को लाएंगे, कोई ना कोई तो चाहिए। होता है ऐसा? 100% किसी दूसरों के साथ रहते हैं, इसलिए कोई बंधन नहीं है। किसी ने नहीं उलझा रखा है, हमने ही उलझा रखा है अपने आप को। हमने ही विचार के स्तर पे एक बहुत बड़ा संसार खड़ा कर रखा है अंदर, और उसके बीच में हम घूमते रहते हैं इधर उधर। वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हम उनको सुनते रहते हैं। कभी वो बहुत अच्छे लगते हैं, कभी उनसे बहुत परेशान होते हैं। तो ग्रंथि कोई है ही नहीं, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। व्यक्ति बिल्कुल एकांत में बैठा है, कोई बाहर से कोई बाधा नहीं है, किसी ने पिटाई नहीं की है, किसी ने डांटा भी नहीं है, वो व्यक्ति रो रहा है बैठ के। क्यों रो रहा है? स्मृति के आधार पे कुछ भावनाओं को उठा लिया, अब वो भावनाएं अपना काम कर रही हैं। कोई भी नहीं है बाहर, अकेला बैठा है कमरे में, बैठा बैठा हंस रहा है। उसे पूछे क्यों हंस रहे हो, क्या मिल गया? वैसे उठता है वो, क्योंकि वो भावनाओं में खो गया था कहीं। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उदास होता है, कभी प्रसन्न होता है। ये सब भावनाओं और विचारों के आधार पे हम तादात्म्य करते रहते हैं अपने आप को। वृत्ति सारूप्य इसी को कहा है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अपने साथ नहीं रहेंगे तो फिर जिसके भी साथ हैं वही हमारा स्वरूप होगा। जिसके भी साथ हैं, पुस्तक के साथ हैं तो हम विद्यार्थी हैं, स्मृतियों में गुरु के साथ हैं तो उस समय हम शिष्य हैं, माँ के साथ हैं तो पुत्र हैं। जिसके भी साथ होंगे वही वृत्ति सारूप पे हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा। और ये हमें सुबह से शाम तक अपना निरीक्षण करने की आवश्यकता है, इस समय में किसके साथ हूँ, इस समय किसके साथ हैं। महर्षि पतंजलि के साथ, दीदी के साथ। अब मैं किसके साथ हूँ? विद्यार्थियों के साथ, पुस्तक के साथ। वही व्यक्तित्व है इस समय। ऐसे हमारे व्यक्तित्व बदलते रहते हैं सुबह से शाम तक, और मैं वही रहता हूँ क्योंकि मुझे स्मृति है ना सारी। तो ये यही बता रहे हैं कि जब आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो वही भावना भी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है ना कि प्लग में मोबाइल तो लगा दिया, मोबाइल चार्ज हुआ ही नहीं। 2 घंटे तक लगा रहा प्लग में और बाद में देखा तो बैटरी वही 20% है। तो ऐसा क्यों हुआ? कनेक्शन लूज था, बटन भी ऑन था, कनेक्शन लूज था, ठीक से वो कनेक्शन जुड़ा ही नहीं। कनेक्शन नहीं जुड़ा तो 2 घंटा क्या, 20 घंटे भी लगा लें तब भी चार्ज नहीं होगा, उल्टा डिस्चार्ज और हो जाएगा। तो जब हम उपासना में बैठते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये चेक कर लेने की आवश्यकता है कि कनेक्शन जुड़ा कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है 1 घंटा वैसे उठ के आ गई, बैठे तो 1 घंटा, अंदर से कोई चार्जिंग तो हुई नहीं, कोई चेंज तो हुआ ही नहीं। कोई चेंज नहीं हुआ इसका मतलब कनेक्शन जुड़ा नहीं उसके साथ। जुड़ जाता तो वो तो इतना हाई पावर वोल्टेज है उसकी, तो वो तो सेकंडों में चार्ज कर देता है। घंटों की तो बात छोड़ो, मिनटों की तो बात ही छोड़ दो, सेकंडों में चार्ज हो जाता है। वहाँ फास्ट चार्जिंग होती है ना, फास्ट चार्जिंग होती है, स्लो चार्जिंग होती है। फास्ट वाला फटाफट कर देता है। तो ईश्वर का तो ऐसा है कि वहाँ तो सेकंडों में ही बात बन जाती है। भक्त जनों के संकट क्षण में ही हो जाते हैं, वहाँ तो समझ में आ गया, कनेक्शन जुड़ गया, तो फिर तो परवाह नहीं रहती है व्यक्ति को, नहीं तो रोता है, संसार को याद कर करके रोता है। किसी ने धोखा दिया उसको याद करके रोता है, किसी ने प्रेम दिया उसको भी याद करके रोता है, रोता ही रहता है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जब आप ईश्वर को पुकारो, जब ईश्वर के नाम का जप करें,
जब आप ओंकार का उच्चारण करें तो तद जपस तदर्थ भावनम, वैसी भावना भी करनी है कि इस सारी सृष्टि के मालिक को पुकार रहा हूँ मैं। प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावनम्। प्रणवस्य जपः ओंकार का जप और प्रणवाभिधेयस्य, प्रणव का जो अभिधेय है, प्रणव का अभिधेय क्या है? ईश्वर। प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य, प्रणव के अभिधेय ईश्वर का भावनम्, भावना भी करनी चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, वैसी अनुभूति भी होनी चाहिए। तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतः चित्तं एकाग्रं संपद्यते। तदस्य योगिनः, उस इस योगी का प्रणवं जपतः, भावपूर्वक प्रणव का जप करते हुए, और ये तो को आप कभी भी करके देख सकते हैं, जब आप वैसी ही भावना अपने चित्त में बना करके और 10, 15, 20 मिनट भी जब केवल ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसके बाद आप महसूस करेंगे आप कहीं खो गए। बोलते हैं ना, ध्यान नहीं लगता, तुरंत लगता है। इससे कोई भी करे, आप बोल बोल के पहले करें, जप भी तीन प्रकार के हैं ना, तो यहाँ वाचिक जप करें पहले, जोर से बोलें, और वैसी ही भावना भी करें, तो 10-15 मिनट में ही हो जाता है काम। तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः, उस इस योगी का प्रणव को जपते हुए, प्रणव का जाप करते हुए, ओंकार का जाप करते हुए, प्रणवार्थं च भावयतः, और प्रणव के अर्थ अर्थात ईश्वर का भावयतः, भावना करते हुए, चित्तम एकाग्रम संपद्यते, चित्त एकाग्र हो जाता है। फिर कुछ शब्दों में भी शक्ति होती है, शब्द की भी अपनी सामर्थ्य होती है ना, शब्द की भी अपनी शक्ति होती है। तो ओंकार ये जो शब्द है, इसकी अपनी शक्ति है, और जो आप भाव उठा रहे हैं उसकी अपनी शक्ति है, भावों की, और दोनों का कॉम्बिनेशन होके फिर चित्त को एकाग्र करने का ये एक उपाय है। तथा च उक्तम, इसके बारे में कहा है, स्वाध्यायाद योगम आसीत योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्या परमात्मा प्रकाशते। इसको स्मरण कर लेना, स्वाध्यायाद योगम आसीत, स्वाध्याय से योग का सेवन करें। यहाँ स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, एक तो जो आप पढ़ रहे हैं मोक्ष परक जो शास्त्र आदि हैं उनका अध्ययन करना, इसको भी स्वाध्याय कहते हैं, और दूसरा स्वाध्याय है अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन करना, आत्मा ही आत्मा का अध्ययन करे। तो अपने स्वरूप में रहते हुए स्वाध्यायात योगम आसीत, जो अपने अंदर मुड़ेगा, प्रत्याहार करेगा, उसी को तो योग की प्राप्ति होगी। योग मतलब योगः समाधि, समाधि की प्राप्ति किसको होगी? जो प्रत्याहार धारणा और ध्यान करेगा। तो इसका मतलब है अपने अंदर की ओर मुड़ना, ये स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय से योग का सेवन करे अर्थात समाधि को प्राप्त करे, और योगात स्वाध्यायम आमनेत, योग से अर्थात समाधि से, समाधि का जो अनुभव आपने लिया है, समाधि का जो सेवन किया है, उससे स्वाध्यायम आमनेत, उससे फिर आत्मस्मृति का अभ्यास करे कि मैं वही आत्मा हूँ जो कुछ देर पहले समाधि में लीन था, सब दुखों से कष्टों से मुक्त था, अपने आप में पूर्ण था, आनंद से युक्त था, वही आत्मा में अभी भी हूँ ये सब कार्य करते हुए भी। तो ये है योगात स्वाध्यायम आमनेत, योग से समाधि से अपने आप का, अपनी निज स्मृति का अभ्यास करें। और स्वाध्याय योग संपत्या, स्वाध्याय और योग की इस संपत्ति से, या तो योग की स्थिति में रहें, समाधि की स्थिति में रहें, या फिर आत्मस्मृति में रहते हुए सब कार्यों को करने का अभ्यास करें, तो इस योग और स्वाध्याय की संपत्ति से परमात्मा प्रकाशते, फिर एक दिन जो सत्य है वो अभिव्यक्त
हो ही जाता है हमारे अंदर, जिसकी खोज में हम जन्मों जन्मों से थे वो प्रकाशित हो जाता है, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है। किमचस्य भवति, तो इससे क्या होगा फिर, इस साधक के लिए क्या होगा फिर? ओम का जप करता रहे और उसकी भावना भी करता रहे, समाधि लगाता रहे, आत्मस्मृति का अभ्यास करता रहे, तो ऐसा करते करते क्या होगा? तो उसका फल बता रहे हैं, जाप का फल बता रहे हैं भावना पूर्वक, क्योंकि वास्तव में ना भावनाओं का ही ज़्यादा अंतर पड़ता है। क्रियाओं का तो, क्रियाओं का रोल है 20% और भावनाओं का रोल है 80%। कई बार क्रियाएं वो ही होती हैं लेकिन वो भावनाएं नहीं होती हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। सब लोग अभिवादन करते हैं गुरुजनों को, लेकिन फल सबको अलग अलग मिलता है, क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। कई बार हम बाहर से बहुत वाणी को संयमित करके बोलते हैं, मिठाई बोलते हैं, और कई बार तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीठा बोलते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा। कुछ लोग मिलेंगे आपको, एक भी त्रुटि नहीं करते हैं बोलने में, बहुत जचा जचा के बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन उनका मीठा बोला हुआ भी कभी कभी मन को अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अंदर से भावना दूसरी होती है, जैसा वो बोल रहे हैं वैसी अंदर से भावना नहीं होती है, इसलिए उनका मीठा बोला हुआ भी असर नहीं करता है, व्यक्ति को लगता है कि सब बनावटीपन है। चलो, कभी कभी व्यक्ति बाहर से ज़्यादा मीठा नहीं बोलता है, जैसी चीज़ है वैसा ही बोल देता है, सीधा स्पष्ट बोल देता है, लेकिन उसका बोला हुआ कभी कभी परेशान नहीं करता, हर्ट नहीं करता है, उसका डांटा हुआ भी कष्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि अंदर से उसकी जो भावनाएं थी वो उस व्यक्ति के प्रति, उस आत्मा के प्रति विशुद्ध थी, खराब नहीं थी। छोटा बच्चा घर में रोता है और माँ खेत में काम कर रही है, और वहाँ माँ के स्तन से दूध आने लगता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना जो, फिर माँ खेत में से आती है, उसको आवाज़ तो सुनी नहीं बच्चे की, तो किसने काम किया? भावना ने काम किया। आप यहाँ बीमार होते हैं और आपकी माँ को घर में कुछ ऐसा पता लगता है, फिर वो पूछते हैं फ़ोन करके कि मेरे को ऐसे सपना आया, आप ठीक तो हो? वो पता लगा कि सच में बीमार थे, तो ये किसने काम किया? जिनका हृदय जुड़ा हुआ होता है उनको एक दूसरे की भावनाएं वो बहुत जल्दी रिसीव करते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। भावनाओं का बहुत बड़ा, मतलब एक तिरंगा झंडा झुकने के लिए सिर कटा दिए लोगों ने, ये क्या है? भावना ही तो है, एक कपड़ा ही तो था, झुका दिया तो क्या हो गया? कपड़ा नहीं है उनके लिए वो, उसके पीछे जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं राष्ट्र के लिए, ईश्वर के लिए, जिस ईश्वर को कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, जिससे कभी बातचीत नहीं हुई, कोई संबंध नहीं, उसके नाम पे पूरे जीवन को दाव पे लगा देना। साधक ढूंढता है आकाश में दूर दूर तक आंखें फैला के, कहाँ है तू? इधर पूछता है, उधर पूछता है, पहाड़ों से पूछता है, वृक्षों से पूछता है, नदियों से पूछता है, अपनी मौत को सिर पे लेना, आफत मोल लेना है, ईश्वर को चाहना कोई सरल काम नहीं है। ये सांसारिक जो प्रेम होते हैं उनमें दुनिया भर की आफतें होती हैं, ईश्वर का प्रेम, लेकिन ये सब उसकी कीमत है। लेकिन मन में भावनाएं होती हैं, भावना ये है कि जो भी उसका स्वरूप है, जहाँ भी है, जैसा भी है, कभी ना कभी वो मेरे को ज़रूर मिलेगा, और वो भी अंदर से सहारा देता रहता है, अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से ये जताता रहता है कि मैं हूँ तेरे साथ समय समय के ऊपर, और कभी कभी ये जताता है कि मैं कहीं नहीं हूँ,
ऐसे ऐसे करता है साधक, कभी लगता है कि मतलब कुछ नहीं बचा, मैं कहीं भ्रम में जी रहा हूँ, कभी लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक राह पे चल रहा हूँ। तो ये भावनाएं हम पदेन पदेन देखते हैं, जैसी हमारी जिसके प्रति भावना होती है वैसा हमें वह फल मिलता है, वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो हमारे सामने वैसा ही उभर के आता है। आपने बहुत ऐसी कथा कहानियाँ सुनी होंगी, उस दिन भी स्वामी जी के सामने सुन रहे थे ना आप देहरादून में, कि कोई अजगर आके बैठ जाती थी उनके आसन के नीचे और उसके ऊपर पैर भी लग जाए तो वो उनको काटती नहीं थी, क्योंकि इनकी भावना नहीं है ना उसको मारने की, हिंसा की भावना नहीं है, तो इसलिए उसकी भावना भी इनको नुकसान पहुंचाने की नहीं है। कभी ऐसी कहानियां सुनी होंगी किसी व्यक्ति को जंगल में कोई शेर मिल गया या हाथी भालू मिल गया और उसने उसी समय ईश्वर को पुकारा या आप किसी भी अपने इष्ट देव को पुकारा और उसी में ईश्वर को देखा, उसी प्राणी में, तो वो सूंघ के चला गया, उसको आँख मींच के बैठ गया ऐसे और कहा कि आप ही मेरे भगवान ही हैं, आज आपने सिंह का रूप धारण कर लिया, और सिंह उसको सूंघ के चला गया, खाया ही नहीं। ऐसे भावनाएं काम करती हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव भावनाओं में जीना चाहिए, हिम्मत की भावनाओं में जीना चाहिए, हताशा निराशा उदासी की भावनाओं में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि यदि हमने हताशा की भावना को अपना लिया दुनिया भर की हताशा आपके अंदर चैनलाइज हो जाएगी। यदि हमने एक क्षण उदासी को अवकाश दे दिया, निराशा को अवकाश दे दिया, तो जितनी भी सृष्टि की निराशा है वो सारी इकट्ठी होकर हमारे अंदर आ जाएगी। और यदि हमने विश्वास को श्रद्धा को अपनी भावनाओं में उठा लिया तो जो श्रद्धा का स्वामी है उसकी शक्ति हमारे अंदर अवतरित होने लगती है, फिर जो भावना हम उठाते हैं वो शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं। टीवी और रेडियो की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं ना तो वो चीज़ें दिखने लगती हैं, फ्रीक्वेंसी सेट हो रखी हैं, आज तक चैनल की फ्रीक्वेंसी इतना नंबर, जी न्यूज़ की इतनी, एबीपी न्यूज़ की इतनी, फिर उस फ्रीक्वेंसी पे आप बटन दबाओ वो आ जाएगा। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी सेट हो रखी हैं, ये ईश्वर की फ्रीक्वेंसी है, ये उत्साह की फ्रीक्वेंसी है, ये संतोष की फ्रीक्वेंसी है, ये हताशा की है, ये निराशा की है, ये रोने की है, ये हंसने की है, ये स्वास्थ्य की है, ये बीमारी की है, जो आपने यहाँ से नंबर दबाया वो वहाँ जुड़ जाएगा, वो आने लग जाएगा फिर।